बिहार में रामनवमी के दौरान शुरू हुआ सांप्रदायिक तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को रोहतास और नालंदा जिले में एक बार फिर हिंसा की खबरें सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार पिछली रात ताजा हिंसा में नालंदा के बिहार शरीफ में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। ये झड़प दो गुटों के बीच शनिवार शाम हुई। दूसरी ओर रोहतास जिले के सासाराम में एक धमाके में 6 लोग घायल हो गए हैं। बिहार शरीफ के एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि हिंसा में जान गंवाने वाले शख्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पिछली रात ताजा हिंसा के बाद की गई छापेमारी में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब तक 8 FIR इस मामले में दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इलाके में और अतिरिक्त बल लगाया जाएगा। वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई थी, लेकिन तत्काल पुलिस बल के द्वारा जो है स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। जो भी हिंसा हुई उसमें हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की। रात में हम लोग लगातार रेड किए हैं और गिरफ्तारी की है। कल पूरी रात्रि रेड हुई है और 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई। कुल प्राथमिकी जो है कल दोपहर तक 8 थी। उसके बाद फिर जो घटनाएं हुई हैं उसमें कुछ प्राथमिकी दर्ज होंगी। हम लोग आपको अपडेट करेंगे कि कल की घटना पर कितनी प्राथमिकी दर्ज होंगी। PMCH में बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है और हम लोग विधि व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। स्थिति सामान्य है। वहीं नालंदा के DM शशांक शुभांकर ने बताया कि ताजा हिंसा बिहार शरीफ में पिछली रात 2 से 3 जगहों पर हुई है और अब स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि धारा 144 लगा दी गई है। अफवाह फैलाया जा रहा है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये काम कितना सत्य है? नहीं देखिए, कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। अब सेक्शन 144 का इम्पोज किया गया है, जो पहले से इम्पोज है। उसमें यही है कि 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं निकलेंगे सड़कों पर, कोई बिना परमिशन के जुलूस नहीं निकालेगा, कोई हथियार नहीं लाएगा, ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। बता दें कि सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी उत्सव के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। इस दौरान कई वाहनों, घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। सासाराम में उपद्रव जो पहली बार रामनवमी के दिन शाम को भड़का था, शुक्रवार दोपहर फिर से शुरू होने के बाद जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाने का आदेश दिया था। इन सब के बीच फिलहाल बिहार में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सासाराम का अपना दौरा रद्द कर दिया है, जहां पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है। शाह के सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए आयोजित समारोह के रद्द होने के लिए चौधरी ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।